CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम राजा और जिन। आलेख मधुबी जोशी का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुदयाल खट्टर। एक था राजा, बड़ा मस्ताना, बड़ा मनमौजी। राजा को कहानियां सुनने और पढ़ने का बड़ा शौक था। वो रोज नई नई कहानियां सुनना चाहता था। एक दिन किसी ने राजा को जादू के जिन की कहानी सुनाते हुए कहा, जिन से जो चाहे सो काम करा लो, जिन से अरे जो चाहे सो काम करा लो, रातों रात नहर खुदवा लो, पर्वत को मैदान बना लो, जंगल में महल बनवा लो, जो चाहे सो काम करा लो, जो चाहे सो काम करा लो जिन से। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, अगर मुझे जिन मिल जाए, अरे अगर मुझे जिन मिल जाए, मैं उससे सोना मांगूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, जाने में क्या क्या ले लूंगा। अगर मुझे जिन मिल जाए, अरे अगर मुझे जिन मिल जाए। बस उस दिन से राजा सोते जागते यही सोचता रहता कि मैं कैसे जिन को ढूंढूं। उसने कई लोगों से पूछा कि जिन कैसे मिल सकता है। किसी ने कहा, उसके दादाजी के दादा, उनके भी दादा के दादा, उसके दादाजी के दादा, उनके भी दादा के दादा, उनके पास कई जिन थे। उनके पास कई जिन थे, लेकिन जाने कहाँ गए सब, लौटेंगे जाने वो कब, हाँ लौटेंगे जाने वो कब। कोई बोला, पर्वत की खोहों में शायद हो सकता है जिन रहते हों, पर्वत की खोहों में शायद हो सकता है जिन रहते हों, ठीक ठीक तो नहीं जानते, ठीक ठीक तो नहीं जानते, शायद पानी में बहते हो, यानी कोई भी राजा को जिन का अता पता नहीं बता पाया। लेकिन राजा को तो धुन लग गई थी। वो सोते जागते चलते फिरते सदा जिन को ढूंढता रहता। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया। राजा घोड़े पर चला जा रहा था कि उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, राजा जी महाराज, अजी महाराज, जरा सुनिए तो। राजा ने घोड़ा रोक दिया। आवाज फिर आई, बड़ी कृपा की राजा जी, रुक कर, अब जरा यहाँ तो आइए। राजा ने बड़े ध्यान से इधर उधर देखा। उसे कहीं भी कोई नहीं दिखाई दिया। उसने जोर से पूछा, कौन हो तुम, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ महाराज, आपके पैरों के पास
पड़ी बोतल में। राजा ने नीचे देखा तो सचमुच घास पर एक सुंदर बोतल पड़ी थी। राजा ने बोतल को उठा लिया और पूछा, लेकिन तुम हो कौन? महाराज, मैं एक जिन हूँ। जिन हो? तो इस बोतल में क्या कर रहे हो? महाराज, एक दुष्ट बुढ़िया ने मुझे जादू से इसी में बंद कर दिया है। आप कृपा करके मुझे इसमें से निकाल दें तो मैं सदा आपका कहना मानूंगा। जिन की बात सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। वो तो चाहता ही था कि उसे कोई जिन मिल जाए। उसने फौरन बोतल का ढक्कन खोला और लो, उसके सामने एक जिन खड़ा था। मैं हूँ जिन अलाउद्दीन, मैं हूँ जादू का राजा। चाहूँ तो इस जंगल में बजवा दूँ डोलर बाजा। मैं हूँ जिन अलाउद्दीन, मैं हूँ जादू का राजा। भाई कमाल है, तुमने मुझे कोई बच्चा समझा है? ढोल बाजे से बच्चे खुश होते हैं। मैं राजा हूँ, राजा समझे? मैं तो सोना चांदी हीरे मोती से ही खुश होता हूँ। समझ गया महाराज, मैं आपका गुलाम हूँ, जो कहेंगे मानूंगा। लेकिन एक शर्त मेरी भी है। कहो, क्या शर्त है तुम्हारी? आप मुझे रोज एक नया काम बताएंगे। किसी भी काम को दोबारा करने को नहीं कहेंगे। जिस दिन आप मुझे नया कोई काम नहीं बता सकेंगे, उस दिन मैं आपका जो सबसे प्यारा हो उस मनुष्य को खा जाऊंगा। राजा ने सोचा, ये तो बड़ी आसान शर्त है। मैं जिनको इतने काम बताऊंगा कि वो तंग होकर किसी दिन खुद ही भाग जाएगा। तब राजा बोला, ठीक है, तुम हमें हमारे महल में पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। राजा और जिन महल में पहुंच गए। अब तो राजा के बड़े ठाट हो गए। उसे दूसरे राजाओं का डर हमेशा बना रहता था, इसलिए उसने जिन से अपने राज्य के चारों ओर एक मोटी मजबूत दीवार बनवा दी। वो रोज जिन को एक नया हुक्म देता। जिन, नदियों का पानी मीठा कर दो। अभी लीजिए मेरे मालिक। जिन, आज बाग में सोने के पेड़ों पर चांदी के पत्ते लटका दो। हीरे के फल उपजाकर मोती के पंछी ला दो। जो आज्ञा। राज भर के लोगों के भर दो तुम भंडार। बच्चों को दो हलवा पूड़ी, बीमारों को 100 अनार।
चलाता हूँ आका। इस तरह राजा का राज्य इतना सुंदर हो गया कि पूछो मत। आक्रमण का डर ही नहीं रहा, क्योंकि जिन ने राज्य के चारों ओर दीवार बना दी थी। नदियों में शरबत बहता, मिठाई के पहाड़ थे, बागों में सोने के पेड़ों पर हीरे के फल उगते और मोती के पंछी चहकते। लोग भी बड़े खुश थे, उनके भंडार सदा भरे रहते थे। बस ये समझो कि राज्य में मेला ही लगा रहता था। लेकिन सच पूछो तो राजा था बड़ा परेशान। वो ऐसे कि उसे रोज जिन के लिए कोई नया काम ढूंढना पड़ता था। राजा को समझ नहीं आता था कि वो जिन से अब क्या करवाए। बांध, सड़कें, नहरें, बाग बगीचे सब तो बनवा चुका था वो जिन से, और परियों का नाच भी देख चुका था। आखिर एक दिन ऐसा आया, आज के लिए काम बताइए मेरे मालिक। जाओ एक ऊंचा बांध बना दो। वो तो मैं बना चुका महाराज। तो नदियों का पानी मीठा कर दो। वो भी कभी का हो चुका। तो आज कोई काम नहीं है। तो अब शर्त के मुताबिक मुझे राजकुमार को खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही आपका सबसे प्यारा है। अभी जिन राजकुमार पर झपट ही रहा था कि राजा अचानक बोला, ठहरो जिन, याद आया, तुम एक काम कभी नहीं कर सकते। कौन सा काम महाराज? तुम इस डिबिया में नहीं घुस सकते। घुस सकता हूँ, याद है मैं आपको बोतल में मिला था। हाँ, तुम बोतल में तो घुस सकते हो, मगर मैं डिबिया की बात कर रहा हूँ। ये बात है तो अभी देखिए। जैसे ही जिन डिबिया में घुसा, राजा ने डिबिया बंद कर दी। जिन खूब रोया, चीखा, लेकिन राजा को सबक मिल गया था, इसलिए उसने जिन की एक न सुनी। राजा ने डिबिया को समुद्र में फिकवा दिया और इस तरह जिन से छुटकारा पाया। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।